देश के हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज में, मैं हूं आपका दोस्तों नवीन शर्मा। हम बात करें मौसम विभाग के ताजा अपडेट की, तो क्या अपडेट जारी किया है मौसम विभाग ने, चलिए जान लेते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे अपडेट रहे आप MP सहित देश के सभी कैटेगरी खबरों से अपडेट। दोस्तों पहाड़ों में भारी बर्फबारी के चलते उत्तर भारत में बारिश देखने को मिल रही है, साथ ही देश के अन्य हिस्से मध्य प्रदेश सहित कई क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मैदानी इलाकों का तापमान नीचे लुढ़क गया है। लुढ़कते तापमान के बीच शीतलहर का कहर भी देखने को मिल रहा है, जो लोगों के लिए आफत बनी हुई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में मौसम साफ रहेगा। लद्दाख, उत्तरी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी इलाकों में अगले 24 घंटे तक रुक कर निचले इलाकों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले भागों में बर्फबारी की गतिविधियां जारी रह सकती है। 24 घंटों के बाद यह मौसम सिस्टम आगे निकल जाएगा और अनुमान है कि इससे अमृतसर, अंबाला, करनाल, जालंधर, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पठानकोट, लुधियाना, पटियाला, मोगा, दिल्ली, NCR, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, मुरादाबाद, चूरू, गंगानगर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू समेत कई शहरों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे जा सकता है। इनमें से कई इलाके ऐसे होंगे जहां पर शीतलहर जैसे हालात भी बन सकते हैं। आने वाले 24 से 48 घंटों में ऐसे मौसम में बदलाव होगा। वहीं बिहार में 14 और 15 दिसंबर को बारिश के आसार बने हुए हैं। झारखंड में भी मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार रांची समेत झारखंड के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के आसार है। 17 दिसंबर तक मौसम के इसी तरह बने रहने के आसार बने हुए हैं। बादल छटने के बाद ठंड में अचानक तेजी आने की पूरी संभावना है। बताया गया है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होगी। कुछ इलाकों में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अगले 2 से 3 दिन तक इसका प्रभाव झारखंड और बिहार में देखने को मिलेगा। पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवाएं ठिठुरन बढ़ाएगी। पंजाब में इतने दिन बनेगी बारिश की संभावनाएं। हिमाचल में बर्फबारी के चलते पंजाब में मौसम बदला है। शुक्रवार देर रात लुधियाना, अमृतसर, जालंधर समेत कई जगहों पर बरसात हुई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में कई जिलों में बारिश का अनुमान जारी किया है। ठंडी हवाएं चलना शुरू होंगी। अगले 48 घंटों में पारा नीचे गिरेगा। अभी तक प्रदेश में दिसंबर के हिसाब से ठंड कम है। आने वाले दिनों में कोहरा भी बढ़ेगा, साथ ही देश के मध्य प्रदेश में भी आने वाले 3 से 4 दिन इसी तरह मौसम बना रहेगा और इसी प्रकार से बारिश हल्की फुल्की और कोहरा छाया रहेगा। तो लेटेस्ट अपडेट था, वीडियो को शेयर करें ताकि सब लोग जान सके लेटेस्ट अपडेट को, रह सके MP सहित देश की सभी कैटेगरी खबरों से।